हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल सी रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कि एच सी डबल बॉन्ड को सी एच, ठीक। तो अब ये आपका क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। क्या कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। सपोज कुछ ऐसे हो, अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन कार्बन ही नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा होता सपोज सी डबल बॉन्ड ओ, ये मान लो एल्डिहाइड की ही बात कर रहे हैं, इसमें है, इसमें X, X, X या फिर इसमें C, C, C लगा हुआ है। अगेन दिस इज अ कंपाउंड विच विद नो अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका जो एडजेसेंट वाला कार्बन उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, ऐसे ही सेम मामले का भी कीटोन हो गया, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां पे भी कुछ और लग गया, तो अगेन इट इज अ कीटोन विद नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे जो हम रिएक्शन देखेंगे ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इसी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से ये कई सारी रिएक्शन अंडरगो करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट? एल्डोल कंडेंस, इसमें एक तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन आएगी और दूसरी हमारी आएगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन केवल उन्हीं में होती है जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इट विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन जैसे कि आपका क्या है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ऐसे ले लेते हैं H, H and H, okay? ये आपका क्या हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, दैट इज इथेनॉल, ओके। तो अब इस इथेनॉल को इथेनॉल के साथ ही इसी के साथ क्रिएट करते हैं, ओके। अब ये दोनों जब क्रिएट करेंगे देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन हटेगा। देखो ये है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटा, ओके, यहां पर से आपका अल्फा हाइड्रोजन हटा और दूसरे वाले इथेनॉल के कार्बोनिल के कार्बोनिल ग्रुप के एच पे जाके लगेगा। तो ये यहां से हटेगा और कहां लगेगा, आके इस वाले ओ पे आके लग जाएगा, ठीक। लगा दो, तो पहले ये लिखा आपने एच सी एच एच, यहां पे ओ एच, ये आपका एच हो गया, ओके। अब ये वाला जो था, इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड कम हो गया क्योंकि ओ ने इसके साथ बॉन्ड तोड़ के एच लगा लिया यहां पे, और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया। तो ये कार्बन जिस पहले वाला जिससे अल्फा हाइड्रोजन आपने हटाया है और सेकंड वाले मॉलिक्यूल का जहां से आपने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे एच लगाया है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्डेड सी एक एच था, ये दूसरा एच था और ये क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओके। तो अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये आपका क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये क्या है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, ओके ओके। ये जो होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, NaOH बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी टेक प्लेस होती है। डाइल्यूट बेस आप लेके चलोगे उसकी प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है और ये रिवर्सिबल होती है। ये क्या होती है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होगा, ये सिंगल बॉन्ड, ओके। अब हम यहां पे क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो जब आप डिहाइड्रेशन करोगे तो इसको हीट करोगे,
हीट किया तो H2O निकल गया, तो यहां से ये OH गया और ये अल्फा एच फिर से चला गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एच पी एच एच, फिर ये सी एक एच लगा हुआ है ये डबल बॉन्डेड, क्योंकि अभी दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नौ ये जैसे ब्यूटीन ब्यूट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 ब्यूट 2 इन आर, ब्यूट 2 इन आर हमारा ये बन गया। ओके, सो दिस इज हाउ एल्डोल कंडेंसेशन इज टेक प्लेस। ऐसे हम कीटोन की भी ले लेते हैं, अब जब हम कीटोन का लेके चलते हैं तो उसमें वो कीटोन हो जाएगा, तो लेट अस सी फॉर कीटोन, आप ऐसे क्या है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो इसको इसी के साथ प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। नाउ अगेन यहां से इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सो दैट आपको पता रहे एच एच एच, दोनों ही अल्फा है तो कहीं से भी इसे हटा दो, तो यहां से एच हटा, ये एच हट के कहां लग जाएगा, इस वाले ओ पे लग जाएगा। ओके, हमें पता है प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो ये आपका पहले ये वाला लिख लो CH3 सी में ऊपर क्या लग गया OH, सी में ऊपर क्या लग गया OH और ये CH3, और ये वाला जो कार्बन है ये इसी वाले से आके लग गया, तो ये CH फिर सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब इसका क्या कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे, हीट कर देंगे, तो H2O आपके इसमें से निकल जाएगा, तो ये आपका क्या रहेगा CH3, सी में क्या लगा हुआ है ये CH3 लगा हुआ है, तो ये CH3 आ गया, यहां से OH हटेगा तो यहां से H हटेगा, तो डबल बॉन्डेड CH सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंट 3-ईन 2-ओन, पेंट 3-ईन 2-ओन। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और ये अब आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, और अगर आपको और ज्यादा देखना है और अच्छे से नॉमेनक्लेचर करना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी कीटोन बोल दो, या फिर आप नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कर दो, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, ये जो दोनों हमने एल्डोल कंडेंसेशन किए हैं, इसमें दोनों जो आपके मॉलिक्यूल्स थे सेम थे, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या थे सेम थे, तो ये आपका क्या हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अब अगर यही दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते तो हम इनको क्या बोलते, क्रॉस एल्डोल बोलते, व्हाट वुड वी हैव कॉल्ड इट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, नाउ लेट अस सी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा और कितने हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो अब नाउ लेट मी राइट इट हियर क्रॉस एल्डोल। ओके, तो क्रॉस एल्डोल में सपोज हमने क्या लिया, एक हमने लिया इथेनल और हमने क्या लिया मिथेनल, तो सपोज वी आर हैविंग H H H C डबल बॉन्ड O H, एक तो ये हो गया, दूसरा हमने क्या लिया ये H H H C डबल बॉन्ड O। ओके, अब इसमें हमारे पास दो वो है मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों अलग अलग है। ओके, अब हम इसको हीट करेंगे सेम प्रोसेस NaOH के साथ पहले, तो ये अल्फा है, अब देखो यहां पे दो तरीके, यहां पे हमारे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हाउ, पहला जो रिएक्शन है होगी ये वाला, इसका अल्फा हाइड्रोजन कहां लगेगा जाके, वहां लगेगा,
तो ये जब वहां लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे पे उतार लो, एच सी एच 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 सी में ऊपर क्या लग गया, ओ एच लग गया, एच लग गया, और ये वाला पार्ट सी यहां पे लग गया, ए सी एच एच एंड विल गेट सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ठीक, अब हम इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, अब हम इसको हीट कर देंगे, तो यहां से OH चला जाएगा और यहां से H चला जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, H H H H H H डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O H, ये हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या है, ये एक बार हो गई, अब सेकेंड केस में क्या होगा, देखो दूसरा एक प्रोडक्ट ये बन गया, अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, दूसरे केस में अब अल्फा हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे आप, तो ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हो गया, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा अब और यहां पे अटैक करेगा, तो एक तो वो बना, यहां से हाइड्रोजन हटके यहां पे लगा, सेकंड केस यहां से हाइड्रोजन हटके यहां लगेगा, तो पहले हम ये लिख लेते हैं एच सी एच एच, यहां पे क्या लग गया, ओ एच एच, और ये किस कार्बन के थ्रू यहां पे लग जाएगा, सी इसमें क्या है, H है, इधर क्या है CH3 है, और इधर क्या है C डबल बॉन्ड O और H है। फिर आप इसको वैसे ही हीट कर देंगे जैसे हीट करना था, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, और यहां से क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा, डिहाइड्रेट होकर यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट में समझ में आ गया कैसे, एक यहां से हाइड्रोजन हटके इस पे लगा, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटके इस पे लगा। अब तो क्वेश्चन इज, वो दो प्रोडक्ट हमने बना लिए, बट आई टोल्ड यू कितने प्रोडक्ट बनेंगे, फोर प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, उसमें ये इसी के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि प्लस एच सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी सिंपल एल्डोल वाली जैसे पहले पढ़ रहे थे, और एक ये इसी के साथ क्रिएट करेगा सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक ये इसी के साथ करेगा। ओके, तो इन क्रॉस एल्डोल एक बार एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हट के दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है, सेकेंड प्रोडक्ट दूसरे वाले का इस पे, एक बार इसका इस पे अटैक करेगा, एक बार इसका इस पे अटैक करेगा, एक बार ये इसी के साथ क्रिएट करेगा, एक बार ये इसी के साथ क्रिएट करेगा। दिस इज हाउ वी विल गेट फोर प्रोडक्ट इन एल्डोल, इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।